नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर विभिन्न भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो दोस्तों उसी क्रम में एक ये नई अपडेट निकल के आई है। हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम हो और कुछ लोगों को नहीं मालूम हो। तो दोस्तों, रेलवे ने इस बार ग्रुप डी में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि रेलवे ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से विभिन्न भर्तियों के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी, और जो भी नया अपडेट होगा उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पहला बदलाव तो यही है कि आप लोग देख रहे हैं कि पहली बार ये ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, जिससे धांधली बहुत कम हो पाएगी और इससे मेरिट कम जाएगी। पहले चूँकि पेपर ऑफलाइन होता था तो पेपर आउट बहुत होता था, तो दोस्तों इसका सीधा सा असर जो है ये मेरिट पर पड़ेगा। और जो दूसरी बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रेलवे ग्रुप डी अब पदों की भर्ती में भी टिकट रिजर्वेशन की तरह प्रतीक्षा सूची बनाएगा। हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आएगी। जिस तरह कंफर्म सीट वाले मुसाफिरों के गैर हाजिर होने या टिकट कैंसिल होने पर वेटिंग सूची वाले मुसाफिरों को सीट दे दी जाती है, ऐसे ही नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग नहीं करने पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी नौकरी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग नौकरी को छोड़ते हैं, यानी कि काउंसलिंग ही नहीं करवाते हैं, वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, और इस तरीके के विद्यार्थियों की बहुत संख्या है। लगभग आधी सीट इस तरीके से खाली चली जाती है। तो दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलने वाला है, और इसलिए कोई भी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक परीक्षा नहीं दी है तो वो परीक्षा देने अवश्य जाएं, परीक्षा को इस बार छोड़े ना, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और फिर दोस्तों, जो अगली प्रमुख खबर है वो ये है कि नीचे लिखा हुआ है कि रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती के नियमों में रेल मंत्रालय ने कई बदलाव किए हैं। इसी के तहत अब रिक्तियों के सफल अभ्यर्थियों को चुनने के साथ वेटिंग अभ्यर्थियों की भी सूची बनाने का नियम लागू किया गया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना एन नीरज कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पदों के सापेक्ष 50% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। दोस्तों, जैसे अगर 62,000 सीटें हैं तो लगभग 31,000 सीट विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। लगभग 1,00,000 पदों का लिस्ट में नाम आएगा, यानी कि 62,000 वे विद्यार्थी जिनका सीधा चयन होगा और 31,000 वे विद्यार्थी जिनको वेटिंग लिस्ट के तहत नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत बड़ा मौका है, बहुत ही अच्छी खबर है, इससे विभाग को भी काफ़ी फायदा होगा, ताकि बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा और बार बार प्रोसेस को पूरा नहीं करना होगा। और दोस्तों इसमें विद्यार्थियों का सबसे बड़ा फायदा है। उसी के बारे में इसमें आगे लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने पर इस सूची के अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए एक क्रमवार चुना जाएगा। यदि प्रतीक्षा सूची के सभी अभ्यर्थियों के समायोजन के बावजूद पद खाली रह जाते हैं तो मेरिट गिराकर अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया जाएगा। इस आशय का रेलवे बोर्ड का पत्र उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनों के प्रमुख कार्मिक अधिकारी को भेजा गया है। दोस्तों बहुत अच्छी पहल है ये। और फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिजिकल में भी ये नियम बदला गया है। क्योंकि पहले फिजिकल में 2 गुना विद्यार्थी बुलाए जाते थे, इस बार विद्यार्थियों को 3 गुना बुलाया जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के तहत एक लिस्ट और निकालनी होती है। तो नीचे लिखा गया कि रेलवे बोर्ड के पत्र में ये भी कहा गया है कि शारीरिक योग्यता परीक्षा PET के लिए रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कुल मिलाकर के जितने भी बदलाव हुए हैं वो सब आप लोगों के फेवर में हैं। नीचे लिखा हुआ है कि अब तक 2 गुना अभ्यर्थी PET के लिए बुलाए जा रहे थे, वहीं शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान पदों के सापेक्ष 2 गुना रेलवे अभ्यर्थी बुलाने का आदेश भी दिया गया है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो है इसमें 3 गुना विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखित परीक्षा में तो लगभग सभी विद्यार्थियों का हो जाएगा जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं।
और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है कि नए नियम से होगी 62,907 पदों की भर्ती। रेलवे भर्ती के नियमों में किया गया बदलाव हाल ही में निकाली गई 62,907 पदों की भर्ती से ही लागू होगा। इस भर्ती के लिए कुछ समय पहले ही लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो दोस्तों ये नियम जो है ये अभी से लागू हो जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि पेपर का स्तर क्या, पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा है, इसलिए जो विद्यार्थियों को जो है रीजनिंग इत्यादि चीज़ों में काफ़ी कठिनाई हो रही है, मेरिट ज़्यादा जाएगी नहीं, जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे उनका चयन सुनिश्चित है। और जिन विद्यार्थियों का पेपर अभी बकाया है वो लोग जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उनको देख लें, और जो अभी पेपर हो रहे हैं 17-18 तारीख को, 19 तारीख को, उन पेपरों को भी देख लें कि पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों रिवाइज करके आप लोग तैयारी कर लीजिए, समय बहुत कम है। और जो पिछले जो भी पेपर हैं मैं सभी प्रश्नों को एक वीडियो बना करके रोज़ शाम को डाल देता हूं, तो आप लोग जो है 17 और 18 तारीख के जो भी ग्रुप डी में परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्नों का लेवल क्या है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट जो ज़्यादातर बहुत आपके काम की है। और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बहुत काम का चैनल है ये। और तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।